हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 2023 का पहला व्लॉग मैं बना रही हूँ। लास्ट व्लॉग आप लोग ने देखा होगा कि न्यू ईयर का मनाया था हम लोगों ने, बेसिक ही मनाया था फैमिली के साथ ही। तो उसके बाद मेरे पापा का बर्थडे था, मेरी बहन का बर्थडे था, वो व्लॉग में बना नहीं पाई और मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो टाइम ही नहीं मिला। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, मतलब एक कैफे का रिव्यू करने के लिए। आपने जीरो डिग्रीज तो सुना ही होगा, जीरो डिग्रीज मुंबई का फ्रेंचाइजी है। तो ये नागपुर में भी रिसेंटली ओपन हुआ है, शायद से रिसेंटली भी नहीं बोलूंगी, 2-3 महीने हो चुके हैं लेकिन हम लोग अभी तक विजिट नहीं किए। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग जानबूझकर शाम में जा रहे हैं क्योंकि वहां की लाइटिंग्स बहुत अमेजिंग दिखती है। मतलब जब भी हम रोड से क्रॉस करते हैं वो कैफे को तो बहुत सुंदर दिखता है। हम दिन के टाइम पे इसलिए नहीं गए, दिन के टाइम पे भी आप विजिट कर सकते हो लेकिन रात में लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है। तो अभी सब रेडी हो गए हैं और हम निकलते हैं जीरो डिग्री जाने के लिए। मैंने तो आपको लोकेशन ही नहीं बताई। जीरो डिग्री जो है, जीरो डिग्री कैफे है नागपुर में, दो है, एक जीरो डिग्री लॉन्ज है और जीरो डिग्री कैफे है। तो हम जा रहे हैं कैफे में जो है सदर में। तो अब हम वहाँ कैफे के लिए निकलते हैं। मस्त दिख रहा है, ऊपर है ना, गाड़ी कहाँ रखेंगे सर? तुम चलो, मैं इसका होगा ना है पहना के जस्ट ऊपर है, 0 डिग्री। आप लाइट देख सकते हो, बहुत अच्छी। अभी अंदर चलता है। इसकी एंट्री पीछे की तरफ से, वो सामने का पार्ट था तो आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। यहाँ से स्टेयर पे एम्बियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम ऊपर बैठे हैं और नीचे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, हम लोग ऊपर आके बैठे हैं। द मेमोरी इज नॉट द कैफे। ये जीरो डिग्री का मेन्यू है तो यहाँ पे फ्राइज इन जार ये बहुत फेमस है, तो ये हम तो मंगा ही रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशल पिज्जाज है, यहाँ पे हार्ट वाला पिज्जा भी है, एक सिंगल सर्व वाले पिज्जाज भी है, पिज्जा इन जार है, बर्गर्स है, स्लाइडर्स है, सैंडविचेस है, बहुत सारी है। नॉनवेज की ज़्यादा वेराइटी दिख रही है यहाँ पे, लाइक डेजर्ट्स भी बहुत है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं और फिर ऑर्डर करते हैं। आ चुका है हमारा सुगा रोज पास्ता, इसे पिंक सॉस पास्ता बोलते हैं। तो ये वेज है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आई है, बहुत ज़्यादा है, बहुत यम्मी भी दिख रहा है। इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। हमारा लास्ट डिश जो है बिग बैंग थ्योरी स्लाइडर। तो मैं ये येलो वाले लौटा है, बाकी दोनों रेड है, तो बहुत बड़ा घर में कैसा है पता नहीं। लेकिन तू रेड अगर मैं तीनों स्कूल में रेडर है, येलो तू ली थी अच्छा। मैंने कहीं टेस्ट किया लेकिन जो स्लाइडर ने उठे, इसकी जो पैटी है, जो मक्खन की जो पैटी है ना, सेम मतलब ये मकेन की बैटी है, ये आप लोगों ने बनाया है। टेस्ट में अच्छा है, छोटा खाते हैं जितना अच्छा। ये प्राइस और रेड वाला भी टेस्ट करके देखिए अलग से। वापस आ चुके हैं, हम लोग को ज्यादा टाइम लगा। हम लोग जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, हम लोग बहुत फास्ट ईटर्स हैं। हम लोग से पहले जो लोग बैठे वो अभी भी बैठे हुए हैं और हम लोग खावा के सब कुछ होके हम निकल भी गए। तो मैं बिल उठा के लाई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा हमने 3 चीजें ऑर्डर की थी, जो थी पेरी पेरी चीजी फ्राइज, दैट वॉज फॉर ₹229। तो क्वान्टिटी के हिसाब से ओके है क्योंकि पेरी पेरी फ्राइज और चीज भी है तो इतना प्राइस रहता है स्पेशली नागपुर के हिसाब से। बाकी जगह थोड़ा सा रेट्स कम है, नागपुर में थोड़ा हाई फाई होता है। फिर है हमने लिखा रहता सुगा रोजा स्पेगेटी, तो इसे पिंक सॉस स्पेगेटी बोलते हैं उनका, उन्होंने एक वैसा नाम रखा था। तो ये वेज में हमने ऑर्डर किया था तो ये भी ₹229 का था, क्वांटिटी के हिसाब से हद से ज्यादा था, बहुत डिलीशियस था, स्पेगेटी सबसे बेस्ट थी। फिर लास्ट में था बिग बैंग थ्योरी स्लाइडर, स्लाइडर वॉज गुड। मतलब वो मैंने आपको जैसे आई डोंट नो आपको अंदर समझ में भी आया होगा क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड था कि हम बोल भी रहे थे तो हमें जैसे
आवाज ऊंची करके बात करना पड़ रहा था, तो वो था, वो भी दैट वाज आल्सो गुड। लेकिन अगर रेट करना रहा तो मैं सबसे पहले वो स्पेगेटी है, फिर फ्राइज है और फिर स्लाइडर आता है। मेन्यू बहुत वास्ट है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा मेन्यू है, बहुत ज्यादा चीजें नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वेज वालों के लिए भी ठीक ठाक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हम लोग का टोटल वीडियो 742 आ गया था, ओके है। अब तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि घर जाके कुछ भी ना खाएं क्योंकि पेट बहुत भर गया है। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।